बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद मुनीर अहमद एंड वी आर डिस्कसिंग केमिस्ट्री एफएससी पार्ट वन चैप्टर नंबर वन बेसिक कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे, पहला टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर हम आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। ओके स्टूडेंट, हम पहले टॉपिक का आगाज़ करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास का। इसका आगाज़ हम एक क्वेश्चन के साथ करते हैं और वो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास की क्या ज़रूरत है। एज वी नो द एटम इज़ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ मैटर, सच ए स्मॉल पार्टिकल वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई। स्टूडेंट, इतने स्मॉल पार्टिकल का मास भी एक्सट्रीमली स्मॉल है, वी डू नॉट हैव एनी बैलेंस विच कैन मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल मास ऑफ एटम। सो साइंटिस्ट ने इसके लिए एक रिलेटिव स्केल डिवेलप करने की कोशिश की। इसको अगर हम हिस्टोरिकली इसका बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड एटम तसव्वुर करके बाकी एटम्स को इसके साथ कंपेयर करके उनके मैसेज को फाइंड आउट किया। इसको जब हम देखते हैं तो हाइड्रोजन को इस स्केल पे हाइड्रोजन को 1 amu मास दिया गया और इसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन 14 amu, ऑक्सीजन के लिए 16 amu था। लेकिन लेटर ऑन इन 1961 में ये स्टैंडर्ड जो है रिप्लेस कर दिया गया विद कार्बन 12। अब स्टूडेंट हमारे जहन में एक क्वेश्चन आएगा कि कार्बन 12 एज स्टैंडर्ड क्यों लिया गया, तो इसके लिए अलहदा से एक पूरी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन इन वेरी शॉर्ट फॉर्म मैं आपको इसकी एक रीज़न देता हूँ कि कार्बन 12 जो है इसकी स्टेबिलिटी अमंग द आइसोटोप ऑफ कार्बन मोर है, और दूसरा इसकी अबेंडेंस जो है वो अमंग द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन मोस्ट अबेंडेंट है। ये बेसिक दो रीजंस हैं जिसकी बुनियाद पे कार्बन को स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं, तो इसको हम डिफाइन करते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। यानी इस स्केल पे हमने कार्बन का मास जो है वो 12 कंसीडर किया हुआ है और बाकी तमाम एटम्स को इस कार्बन के साथ हम कंपेयर करके दूसरों के मास फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट के जेन में एक क्वेश्चन आता है कि हम इसको कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर करने से पहले मैं आपको इसके यूनिट्स की हम पहले इसकी बात कर लें, फिर एग्जाम्पल्स के साथ इसको वजाहत करते हैं। जब हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं तो रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट है, जिसको हम एएमयू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको यूनिफाइड एटॉमिक मास भी कहते हैं और इसको यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड एटॉमिक मास, इसको यू से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब 1 amu जो है इस स्केल पे वो कितने के बराबर होता है, हम कहते हैं 1/12 द मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12, व्हाट इट मींस कि हम कार्बन के मास का 1/12 पार्ट जो है वो 1 amu के इक्वल लेते हैं। स्टूडेंट, इस स्केल के ऊपर हमारे पास अगर हम मास ऑफ कार्बन देखें, कार्बन एटम, तो वो हमारे पास 12 amu है। अब हम यहां पर ये डिस्कस करना चाहते हैं कि इसको कंपेयर करके बाकी एटम्स के मैसेज कैसे फाइंड आउट किए जा सके। एक्चुअली हम बहुत सिंपल वे से ये कह सकते हैं कि कार्बन 12 से हम दूसरे एटम्स का कंपैरिजन करते हैं कि वो कितना इससे हैवी या लाइटर है। कार्बन हमारा स्टैंडर्ड है, अब दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इससे एटम हैवियर होंगे या दूसरी पॉसिबिलिटी है इससे लाइटर होंगे।
अब हम वन बाय वन की एग्जाम्पल से इसके कंपैरिजन से मैथ्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं उसकी एग्जाम्पल आपको देके इसकी वजाहत करता हूँ। उससे पहले हम 1 AMU को फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली जब हम कहते हैं कि कार्बन के एक एटम का मास 12 AMU है और 1 AMU इट्स 12th पार्ट, स्टूडेंट इसको कंसीडर करें कि ये हमारे पास एक कार्बन का एटम है, हम इसके 12 इक्वल पार्ट कर लेते हैं। सो देन एवरी पार्ट इज कंसीडर एज 1 AMU। ये वो बेसिक यूनिट है जो हमारे पास के 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन से हम क्या मतलब लेते हैं 1 AMU, ये बेसिक इकाई है हमारे पास। अब मैं आपको फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम कार्बन के ही मास को जस्टिफाई करते हैं विद AMU। सपोज हमारे पास हम इस बैलेंस के ऊपर एक तरफ हम कार्बन ले लेते हैं तो इधर हमारे पास हम 12 AMU यूनिट लेंगे तो इट विल बी बैलेंस टू दिस कार्बन। ये हमारे पास कार्बन 12 AMU के बराबर यहां पर है। अब हम प्रूव करना चाहते हैं कि अदर एटम्स को हम कैसे कार्बन के साथ कंपेयर करते हैं। मैं एक मिसाल के तौर पर आपको फिर इसी तरह हम एक बैलेंस के ऊपर एक तरफ स्टैंडर्ड हमने चूंकि कार्बन लेना है इधर हम 12 AMU ही रख लेते हैं, कार्बन का मास है तो 12 AMU के बराबर है। इधर मैं एक ऑक्सीजन का एटम रखता हूं, अब ऑक्सीजन का एटम इससे हैवियर है तो बैलेंस हमारा इस तरफ को झुक जाएगा, डेफिनेट बात है क्योंकि ये बैलेंस नहीं रहेगा। अब हम क्या करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर 1 by 1 1 AMU प्लेस करते हैं, एक फिर एक और MU, एक और AMU और फिर एक और AMU। जब हम 4 AMU एक्स्ट्रा इसके साथ ऐड करते हैं तो ये इसके बिल्कुल इक्वल हो जाता है। यहां से ये प्रूव हो रहा है कि ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU है। अब हम कहते हैं कि कार्बन से कंपैरिजन में हमें ये पता चला कि कार्बन की निस्बत इसमें 4 AMU मास एक्स्ट्रा है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एक लाइटर एटम लेते हैं, सपोज हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, उसको इधर पैन पे रखते हैं और इधर हम कार्बन, चूंकि कार्बन हमारा स्टैंडर्ड है और इसका 12 AMU मास है, अब डेफिनेट बात है ये हैवी है तो ये इधर को डाउन आ जाएगा। मैं इसको बैलेंस करने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, हम इधर AMU ऐड करना शुरू कर देते हैं। 1 AMU मैं प्लेस करता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी तरह करते करते मैं 11 AMU इस इधर वाले पैन पे प्लेस करता हूँ तो ये बैलेंस हो जाता है। अब इससे क्या प्रूव हो रहा है कि कार्बन जो है जिसका मास 12 AMU था उसको हाइड्रोजन के साथ बैलेंस करने के लिए मुझे 11 AMU इधर और प्लेस करने पड़े, यानी हाइड्रोजन प्लस 11 AMU अगर मैं करूं तो वो एक कार्बन के बराबर आता है। अगर मैं इधर 11 AMU को इधर से माइनस कर दूं ला के तो एक हाइड्रोजन का जो मास है वो 1 AMU है। इन दिस वे बाय कंपेयरिंग विद कार्बन हम हर एटम का मास जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपैरिजन में कैसे, ये मैंने सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सपोज एग्जांपल्स के साथ इसको कोट करके मैंने दिखाया है कि हम किस तरह कार्बन 12 से कंपेयर करके कि वो कितने टाइम या कितना उससे AMU में हैवियर है या AMU में उससे लाइटर है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हमारे पास हम रिलेशन स्टडी करना चाहते हैं कि AMU का रिलेशन विद किलोग्राम्स और ग्राम्स कैसे है? उसके लिए हम रिलेशन को स्टडी करते हैं। हमारे पास रिलेशन है कि 1 AMU जो है वो 1.6 × 10⁻²⁴ ग्राम्स और इसी को अगर हम केजीज में अगर मेंशन करें तो 1.6 × 10⁻²⁴
-27 kgs के इक्वल। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर भी स्टूडेंट ये क्वेश्चन जरूर करते हैं कि ये 1 AMU इतनी अमाउंट के बराबर हम किस तरह कर लेते हैं। नो डाउट ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन जस्ट कि आपकी सेटिस्फैक्शन हो जाए इसलिए मैं इसको ड्राइव भी कर देता हूँ। हमारे पास हमें ये पता है कि 12 AMU जो है ये मैस है, मैस ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का मैस है। अगर यहां से मैं 1 AMU फाइंड आउट करना चाहूं, तो मैं कार्बन को मैस को इधर लाकर इसे डिवाइड करता हूं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास 1 AMU मैस ऑफ कार्बन एटम ओवर 12। स्टूडेंट वी नो मैस ऑफ कार्बन इन ग्राम जो है, कार्बन इन ग्राम जो है वो 12 ग्राम्स पर मोल होता है। इट मींस ये मैंने यूनिट जो मेंशन की है इससे हमें ये पता चलता है कि ये 12 ग्राम्स पर मोल है, और हमें पता है कि एक मोल के अंदर एटम्स की तादाद कितनी होती है, 6.02 × 10³³। इट मींस कि ये 6.02 × 10³³ एटम्स का मास है। तो मैं यहां से एक एटम का मास फाइंड आउट करता हूं, तो ये हमारे पास 6.02 × 10³³ कार्बन एटम्स का मास जो है वो 12 ग्राम है। और अगर हम एक कार्बन एटम का मास फाइंड आउट करना चाहें तो ये हमारे पास 12 ओवर 6.02 × 10³³। इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो 1.99 × 10⁻²⁴ ग्राम्स में आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। जब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो 1 AMU एंड मास ऑफ 1 कार्बन एटम 1.99 × 10⁻²⁴ ग्राम्स ओवर 12। तो ये हमारे पास स्टूडेंट 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम्स में आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास ये तो इन ग्राम्स है, और अगर हम इसी को केजीज में लिखना चाहें तो आप मजीद इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, इट विल बी चेंज इनटू किलोग्राम्स। ये हमारे पास रिलेशन है AMU का विद किलोग्राम्स और ग्राम। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं कि ये 1 AMU जो है इतने केजीज के बराबर या इतने ग्राम्स के बराबर हमारे पास होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स। अब हम स्टार्ट लेते हैं आइसोटोप का। स्टूडेंट आइसोटोप जो है ये वर्ड दो वर्ड से मिलके बना है, आइसोटोपस। आइसो इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है इक्वल और सेम, जबकि टोपस ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है प्लेस। पीरियोडिक टेबल के अंदर चूंकि हमारे पास आइसोटोप का एक ही प्लेस होता है इसलिए हम वर्ड आइसोटोप इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट अगर हिस्टोरिकली हम इसको देखें, 1808 में जॉन डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट्स, यानी उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक, और उनके मैसेज भी सेम होते हैं। लेटर ऑन इन 1913 में सोडी एक साइंटिस्ट था,
जिसने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया और इसने आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। इसने कहा सेम एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट भी होते हैं और यहीं से इसने कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप दिया। अब हम आइसोटोप्स को डिफाइन करते हैं, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन एक एलिमेंट है लेकिन इसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप के एटम एग्जिस्ट करते हैं, हाइड्रोजन 1-1, हाइड्रोजन 2-1, हाइड्रोजन 3-1। हमारे पास हाइड्रोजन विद मास नंबर 1, हाइड्रोजन विद मास नंबर 2, हाइड्रोजन विद मास नंबर 3। तो हम कहते हैं एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन और उसके अंदर 3 डिफरेंट टाइप्स के एटम एग्जिस्ट करते हैं और ये 3 डिफरेंट एटम आइसोटोप्स कहलाते हैं हाइड्रोजन के। एक्चुअली इसके अंदर जो वेरी करती है चीज़ वो क्या है, अगर हम इनके आइसोटोप्स को कंसीडर करें, हाइड्रोजन प्रोटियम, हाइड्रोजन 1-1, 2-1 और 3-1, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसके एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। इसी तरह हमारे पास आइसोटोप इसका ड्यूट्रियम जो है उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। हम ट्रिटियम को देखते हैं, इसके अंदर एक प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट, इनके अंदर जो चीज वेरी कर रही है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है जिसकी वजह से इसका मास नंबर वेरी कर रहा है। इसी तरह अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। स्टूडेंट जब हम आइसोटोप्स को कंसिडर करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्वेश्चन ये है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं, उसकी मैं रीजन अभी बयान करता हूं। दूसरी तरफ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। यहां पे भी क्वेश्चन आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों होती हैं। स्टूडेंट एज वी नो कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम। अब हमारे पास जब हम इन आइसोटोप्स को देखते हैं तो इनके एटॉमिक नंबर सेम है, इट मींस इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम है, इट मींस इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है, इट मींस इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। दिस इज द रीजन हम कहते हैं इन तमाम आइसोटोप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। एज वी नो द फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द मास नंबर और मास नंबर ऑफ ईच आइसोटोप इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का मास नंबर 1 आइसोटोप प्रोटियम का मास नंबर 1 है, ड्यूट्रियम का मास नंबर 2 है, ट्रिटियम का मास नंबर 3 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं, मास नंबर चेंज हो रहा है, तो उनकी प्रॉपर्टीज चूंकि रिलेट करती हैं विद द मास नंबर सो दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। स्टूडेंट हमारे पास इसी टॉपिक के लास्ट में एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके अंदर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसके 3 आइसोटोप हैं, कैल्शियम के 6, प्लैटिनम के 6, कैडमियम के 9 और टिन के 11 आइसोटोप हैं। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करने से पहले यहाँ भी मैं आपसे एक क्वेश्चन से आगाज करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ डिस्क्राइब द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। डेफिनेट बात है स्टूडेंट आप मुझसे सवाल करेंगे कि सर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन 1-1 की पूछ रहे हैं या 2-1 की पूछ रहे हैं या 3-1 की पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास इन तीनों की चूंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज रिलेट विद द मास नंबर, एज देयर मास नंबर्स आर चेंज सो देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब साइंटिस्ट के लिए भी ये प्रॉब्लम था, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप में साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट किया।
वो कैसे? साइंटिस्ट ने लिटरेचर में प्रॉपर्टीज को मेंशन करने के लिए रिलेटिव अबेंडेंस का कॉन्सेप्ट दिया कि जो रिलेटिवली मोर अबेंडेंट हैं उसी की प्रॉपर्टीज को हम लिटरेचर के अंदर शामिल कर लेते हैं। इसके लिए ज़रूरी था कि हर एक की रिलेटिव अबेंडेंस फाइंड आउट की जाए। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं रिलेटिव अबेंडेंस को? तो हम कहते हैं परसेंटेज अबेंडेंस ऑफ एन आइसोटोप इन द कंपैरिजन ऑफ द अदर आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट। अब हर आइसोटोप की रिलेटिव अबेंडेंस हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं? इसके लिए मैस स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेक्निक हम ऑप्ट करते हैं। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री की मदद से हम जो रिलेटिव अबेंडेंस है ईच आइसोटोप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसी टॉपिक के लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई हैं कि हमारे पास 280 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं जिनमें से 40 रेडियो एक्टिव हैं। बिसाइड दीज हमारे पास 300 जो हैं वो अनस्टेबल आइसोटोप्स भी हैं जो कि आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन से प्रोड्यूस किए गए। उसके बाद स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास एक डेफिनेशन है मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। द एलिमेंट्स विच हैव वन आइसोटोप ओनली आर कॉल्ड मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट। इसमें आपके पास एग्जाम्पल आयोडीन की है, फ्लोरीन की है, गोल्ड की है, एटसेट्रा। तो ये वो एलिमेंट हैं जिनका सिर्फ एक ही आइसोटोप एग्जिस्ट करता है। उसके बाद एक नेचुरल ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो एक ऑब्जर्वेशन दी गई है एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, वो ऑब्जर्वेशन क्या है कि हमारे पास जिन एलिमेंट के एटॉमिक नंबर ऑड हैं उनके आइसोटोप्स की तादाद 2 से ज़्यादा नहीं होती, और जिनके एटॉमिक नंबर इवन हैं उनके आइसोटोप्स की तादाद ज़्यादा है, वो ग्रेटर नंबर में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट की एक और ऑब्जर्वेशन है कि जिनके मास 4 का मल्टीपल होते हैं उनके आइसोटोप्स भी बहुत ज़्यादा अबंडेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, साइंटिस्ट का बिलीव है कि 50% ऑफ द अर्थ जो है वो हमारे पास इनके आइसोटोप्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन लास्ट में दी गई हुई है कि हमारे पास 280 जो आइसोटोप हैं उनमें से 154 जो आइसोटोप्स हैं वो ऐसे हैं जिनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर इवन है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।